जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्त की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में इमरान नामी एक नौजवान को 20 से 25 अफराद ने हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नितिन नामी एक नौजवान के घर में आरती नामी एक लड़की किरायेदार थी। नितिन और आरती का रस्म भी हो चुका था। इसके बाद नितिन के घर वालों ने वहां से मकान खाली करके चले गए। इसके बाद आरती की एक ऑटो ड्राइवर इमरान से मोहब्बत हो गई। इसकी वजह से नितिन और इमरान का दोनों में झगड़ा चल रहा था। कल रात नितिन ने इमरान को बात करने के बहाने बुलाकर अपने साथियों के साथ इमरान को बेतहाशा पीट दिया। बाद अज़ां आसिफ नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। से 25 जने रुके हम लोग को मार दे रहे थे सर, बहुत बुरा मारे, उसके हाथों में टुकड़ों करे। आसिम नगर पर ना फोन करके बुलाओ, इधर आओ, बात करना है तुम्हारे से बोल के मेरे को अकेले को बुलाए थे। वहाँ ऊपर है देखो नितिन बोल के बच्चा है एक, उसके सार के पूरे बस्ती के लोग आते हैं उसके साथ, 20-25 जने उस लोग हाथ में टुकड़ा था, सर पे लकड़ी मार के तोड़ दिए सर, दो लकड़ियाँ तोड़े सर। नहीं दोस्ताना कुछ भी नहीं है सर, ऐसी ऊपर थोड़ी हम लोग बहसा चले थे, उसमें हम लोग मेरे को अकेले को बुलाए थे उन लोग आसिम नगर कने, बुला के 20 से 25 जने मिल के बुलाए, इधर आपसे बात करना है, अकेले से बात करना है। मैटर क्या है, बुलाने की वजह क्या है? अरे नहीं हम तो करने की वजह क्या है? अरे को इन है, इनसे मोहब्बत करता हूँ भाई। कौन है इनो? होने वाले आरती है। आरती है। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान है। इमरान है। इमरान है तुम्हारा नाम? जी हाँ। 19 है। बच्ची के एज क्या? 17 है। 17 है। बच्ची के भाया है वो? कौन है? बच्ची के भाया नहीं है, गली में रहते हैं लोग, आना जाना था मेरा तो लोग, ऐसी बहस हो गई थी हम लोगों की, तो उन्हें फोन लिया मेरा, बच्ची को बुलाया उन्हें। एक मिनट, देख लो भाई ये कौन है,
चप्पल से तुम लोगों के चप्पलों से हमारा एंगेजमेंट कर रही है। बीस से पच्चीस जने रुके हम लोग को मार दे रहे थे सर, बहुत बुरा बुरा मारे, उसके हाथों में टुकड़ों करे। आजिम नगर पर फोन करके बुलाओ, इधर आओ, बात करना है तुम्हारे से, बोल के मेरे को अकेले को बुलाए थे। वहाँ ऊपर है देखो नितिन बोल के बच्चा है एक, उसके शहर के पूरे बस्ती के लोग आते हैं उसके साथ, 20-25 जने उस लोग के हाथ पे टुकड़ा था, सर पे लकड़ी मार के तोड़ दिए सर, दो लकड़ियाँ तोड़े सर। नहीं दोस्ताना कुछ भी नहीं है सर, ऐसी ऊपर थोड़ी हम लोग बहसा चले थे, उसमें हम लोग मेरे को अकेले को बुलाए थे आसिम नगर के, बुला के 20-25 जने मिल के बुलाए, इधर आपसे बात करना है, अकेले से बात करना है। बुलाने की वजह क्या है? अरे नहीं, हम करने की वजह क्या है? अरे देखो इनसे मोहब्बत करता हूँ भाई, होने वाले आरती है, आरती है। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान है, इमरान है, इमरान है। तुम्हारा नाम? जी हाँ, बन्नी से। बच्ची के एज क्या है? 17 है, 17 है। बच्ची के भाया है वो? कौन है? बच्ची के भाया नहीं है, गली में रहते हैं लोग, आना जाना था मेरा तो लोग ऐसी बहस हो गई थी हम लोगों की, तो उन्होंने फोन लिया मेरा, बच्ची को बुलाया उन्होंने। चप्पल से तुम लोगों के चप्पलों से हमारा भैया बचाओ ना भैया, कुछ नहीं होता। चलो जी चलो, एमएलसी करो, कंप्लेंट दो पहले, तुम जाके कंप्लेंट दो। अरे चलो जी, हम लोग आ रहे, चलो यार। हमारे बेटे का नाम नितिन गौड़ है, बच्चे दोनों बच्चे, वो बच्ची का नाम आरती है, उड़ीसा की है बच्ची। बचपन से हमारे एक ही जगह में, बाड़े में, एक ही बस गली में रहे बच्चे, एक ही जगह में बड़े हुए, पढ़े, क्या करे उन लोग नहीं मालूम। मेरे को प्यार कर ले रहे बोले तो घर में उनके घर के वाले हम लोग सब जने मिल के एंगेजमेंट कर दिए, कानून के हिसाब से चले हम। कहीं को बोलते उन लोग मेजर नहीं थे जब हम एंगेजमेंट करे, जब भी मैं एंगेजमेंट कर दो बोले तो ठीक है बोल के, बच्चों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आजकल बच्चे भाग के शादी कर रहे, इज्जत जाता ना बोल के हम लोग शादी करके शादी करेंगे और 3-4 साल रुक के बोल के उनको एंगेजमेंट करके छोड़े। वो बच्ची क्या करे, हम लोगों के पास 5 महीने भी रही हमारे घर में, जब अच्छी थी बच्ची, फिर उनके अम्मा बाबा के साथ उन्होंने बाहर जाके रह रहे, किराए से रहे लोग, क्या करे क्या नहीं मालूम। बच्ची काम को जा रही थी, बच्चा भी काम को जा रहा था। अच्छा, वो बच्ची को हम बोले काम ना को करो माँ, पढ़ लो, फ्यूचर रहता बोल के भी बोली मैं उनको, फ्यूचर रहता एक पढ़ो माँ बोल के बोले। तो हमारी बहन की पेड़ से थी, उनकी बहन पेड़ से है, उनको बच्चे होते कि मैं कैसा भी अट जाता हूँ अम्मा बोल के बोली उन्होंने, ठीक है बोल के बोले। उन्होंने नामपल्ली में काम को गए, जहाँ काम को गए वहाँ पर एक बच्चे के साथ अफेयर लगा ली वो बच्ची। उनको हम लोग अच्छी तरह से समझाया, पहले मेरा बेटा समझाया ये अच्छा नहीं है, वीडियो कॉल कर रहा तो पकड़ लिया बच्चा, कॉल करे तो पकड़ा, दोनों घूम रहे गाड़ियों के ऊपर तो भी पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ के दियो 3 बार समझाए, हम भी बैठ के समझाए, राखी भी बंधा है बच्ची को, तो नहीं मैं उसको भाई समझती, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझ रही बोल के बोली वो बच्ची। फिर आखिरी में जाके क्या करी वो बच्चे के साथ, पूरा जो नहीं देखना वो चीज़ हमारा बच्चा देख लिया, देख के क्या बोला, नक्को मेरे को तू नहीं होना, मैं तेरे को छोड़ दे तुम बोल के बोला। सब जने बैठ के बात करेंगे, ऐसा छोड़ दे तुम बोले तो नहीं होता, 4 जनों के बीच में शादी की बात करें ना एंगेजमेंट का, तो 4 जनों को बुलाएंगे, बुला के उनके साथ बात कराएंगे, बात करा के छुड़वा देंगे बोल के हम लोग ठहरे थे। परसों हमारे बच्चे को 15 दिन के नीचे पकड़ के बहुत मारे वो बच्चे को, फिर भी हमारा बच्चा वो बात को दिल में छुपा के चिरता। वो बच्चा जो इमरान है ना, वो बच्चों के दोस्तों पकड़ के मार लिए उसको, मारे वो बच्चे को मारे, तो भी मेरा बेटा तेरे को मारे कहते ना बोल के मैं पूछी तो भी नया माँ कोई भी नहीं मारे मेरे को, तू टेंशन नको ले बोल के, हमारा बच्चा मेरे को मरद नहीं है, मैं बचपन से मेरे बच्चों को बहुत मुसीबत से पाल ली, 2 बच्चे हैं मेरे को, मैं बच्चा मारा तो भी उन्होंने छुपा लिया दिल में मगर नहीं बोला। आज उसको क्या बोले
बात करेंगे आओ बोल के चंद्रवंश का ने बुला के 15 जने घेर लिए वो बच्चे को, मेरे बच्चे के ऊपर घेरते के साथ उनके दोस्तों वहीं से रहते, उनके दोस्तों भी आए। हमारा बच्चा बोला तू बच्चे के साथ आके मेरे को मारने को आता रहे बोल के हमारा बच्चा उसको मारा, गुस्से से मारा। बच्चे का कहना है कि उसको अकेले को बुला के मारे और वो बच्चे की नहीं से खून जा रहा। नहीं, वो बच्चे को अकेले को नहीं मारे, वो बच्चे के साथ बहुत जने थे वो बच्चे के साथ बहुत जने आए कहते कहीं को बोलते मेरा छोटा बेटा दत्तात्रेय पार्क कने कॉलोनी कने काम करता, गाड़ी में सोया हुआ था कहते, आवाज़ सुन के हमारा छोटा बेटा गया वहाँ पे, बहुत छोटा है आप लोग देखे होंगे ना, उसको भी मारे यहाँ पे आए तो मीडिया है, मीडिया के सामने मेरे छोटे बेटे को मारे, हमारे बहन को पेट में लात मारी, वो बच्ची चाल चलन अच्छी नहीं है तो हम लोग नक्को बोले, वो बच्ची किससे प्यार कर रही उसके साथ जाओ बोलो, हमारे को कुछ भी ये नहीं है ऑब्जेक्शन, उन लोग जा सकते, मगर हमारे बच्चे के पीछे जान पीछे कई को पड़े, कई को मार रहे हमारे बच्चे को, एक तुम लोग चार बार मारे तो हमारा बच्चा कुछ नहीं करा, एक बार हमारा बच्चा मारे तो पुलिस स्टेशन में लेके आके मार रही हमारे बच्चे को, अगर हमारे बच्चे को कल को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदारी कौन लेते। अभी आप यहाँ आके आसिफ नगर PS है ना, आप कंप्लेंट करें, फिर कंप्लेंट करें हम, हमारा छोटा बच्चा भी लिखा रहा, फोटो वहाँ भी है, एंगेजमेंट करे सो फोटो वहाँ भी है, पूरा बता रहे उन लोग क्या बोल रहे, सुबह में आओ बोल रहे हमारे बच्चे को। अच्छा मेरा बेटा है, ये बच्ची आरती है, इनके साथ ही एंगेजमेंट हुआ। कितने साल पुराना पिक है ये फोटो? ये 2 साल है, 2 साल 2001 में एंगेजमेंट हुआ इन लोगों को, 2021 में एंगेजमेंट हुआ, तो ये बच्चों का एंगेजमेंट कैसा बोल तो अपन कानून के हिसाब से चलना, आजकल कैसा है कानून वैसा बोल के हम लोग एंगेजमेंट करके छोड़ दिए, अंडरवेज से बोल के हम लोग ने उन लोगों को एंगेजमेंट करके छोड़ दिया, कल के दिन कुछ भी नहीं करना बोल के, उनकी एज है बस से शादी करेंगे बोल के रुके, बच्ची की भी एज आना बच्चे को भी एज आना जब शादी करते अपन बोल के हम लोग रुके हुए थे। ये बच्ची आज की लड़ाई की अहम वजह क्या है? बच्चा काम को जाके आ रहा तो वो बच्ची और बच्चे के साथ आके बुलाई, तेरे आ यहाँ पे आ, तू आना बोले तो आना, बच्चे को गालियाँ, गंदे गालियाँ हमारे बच्चे के फोन में रिकॉर्ड आए, एंगेजमेंट करके वो बच्ची किसी और से अफेयर चलाने से अफेयर चलाने से एक लड़की के लिए 2 लड़के मर रहे, अब दोनों की जान प्यारी, वो बच्चे को भी माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, उसको भी मारा मेरा बेटा, उसकी माँ को भी तकलीफ होती, नहीं बोल के मैं नहीं बोल रही, मेरे बच्चे को भी मारे तो उस दिन मैं कितना रोली मेरे घर में मेरे को मालूम, मगर मेरे बच्चे के पीछे कई को पड़े, अगर तुम्हारे को उनके साथ जाने का है जाओ, मगर हमारे को इंसाफ होना, हमारे को इंसाफ होना, कोई भी रहें दो, कौन से भी जात के रहें दो, मगर एक लिमिट रहता इंसाफ करना, मेरे बच्चे को अगर कल के दिन कुछ भी हुआ ना तो जिम्मेदारी इन लोगों की चे हमारे इन लोगों की है, पुलिस वालों का, इमरान का है और उनके दोस्तों कौन कौन है कि मैं अच्छा, उन लोगों का आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से वो बच्चा तो जख्मी है जी, आपके बच्चे को भी मारा पड़े, उनका इल्जाम ये है कि पूरी गैंग मिलकर वो बच्चे को मारी बोल के, गैंग कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे को, दोस्तों ही नहीं है, आप बस्ती में आके इंक्वायरी कर लो, मेरा बच्चे को एक ही बोलते हो, बच्चा सुबह में उठा तो फिर दिखता भी नहीं, रात में 12 बजे घर को आया तो खाना खा के सोता, किसी से आजू बाजू वालों से बात भी नहीं करता। बेटा भी जख्मी है ये झगड़े में? इससे पहले हमारे बच्चे को मारे, आज जख्मी नहीं है, आज उसको मारा पुलिस वाले मारे, आज जख्मी नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लाइडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा, जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्त की पत्री ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्री फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्त में कैंसर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।